हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्सर के बारे में, यानी कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये लैपटॉप का जो कर्सर है ये यहां पे स्टक हो रहा है। ये देखिए, ये इस प्रकार से कुछ यहां पे इसे चलते चलते ये देखिए, यही देखिए यहां पे स्टक हो रहा है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं यहां पे मूव कर रहा हूं, बट यहां पे जो कर्सर है यहां पे मूव नहीं हो रहा है। देखिए स्टक हो चुका है। देखिए अभी ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आपके लैपटॉप में भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसका जो सलूशन है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और सॉफ्टवेयर के जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो जो है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहता हूं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को करिएगा एक लाइक। सो गाइस, आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है अभी यहां पे प्रॉब्लम है। और ये जो लैपटॉप है आप यहां पे देख सकते हैं ये डेल का लैपटॉप है, बट ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी लैपटॉप में आ सकता है, चाहे वो डेल का हो, एचपी का हो, लिनोवो का हो, एसर का हो, आसूस का हो, तोशिबा का हो, या फिर कोई भी लैपटॉप हो। कुछ इस प्रकार का अगर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कि चार्जर को इसको कनेक्ट करके रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कि चार्जर को यहाँ पे रिमूव करना है। चार्जर रिमूव करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारा माउस है अभी भी यहाँ पे स्टक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो किसी किसी लैपटॉप में, कोई कोई लैपटॉप में ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप किसी चार्जर को यहाँ से जो है कि कनेक्ट करते हैं तो जो है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो चार्जर को सबसे पहले आपको यहाँ पे रिमूव करके निकाल के इसको देख लेना है। उसके बाद आपको जो है कि बैटरी से भी देख लेना है, अगर बैटरी में भी सेम प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जाना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी, ये मेरा विंडोज 7 है। तो मैं कंप्यूटर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे आपको एक मैनेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो है कि क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद मैनेज वाला ऑप्शन खुलेगा। उसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा माउस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये माउस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको जो है कि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल वाले प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही गाइस यहाँ पे आप लोग अनइंस्टॉल वाले प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस है यानी कि ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे रीबूट होगा। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू फिनिश रिमूविंग योर हार्डवेयर यू मस्ट रीस्टार्ट कंप्यूटर। डू यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट कंप्यूटर नाउ? सो आपको इस पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपका जो लैपटॉप है या फिर जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो यहाँ पे जो कर्सर का प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व होता है नहीं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। तो चलिए हमारा जो है कि सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 7 कोई भी विंडोज हो, विंडोज मैटर नहीं करता गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम आप जो है कि सेम होगा, आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिस्टम को हम लोग यहाँ पे बूट होने देते हैं। बूट होने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो कर्सर वाला जो प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा और क्या क्या इसमें जो है कि ट्रबल शूटिंग वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक मुझे भी नहीं पता है गाइस ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बस सडनली जो है कि ये कस्टमर का जो कि प्रॉब्लम आया है और मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ये सब सारी चीज़ें मैं करके देखता हूँ। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि इनका जो प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड से भी हो सकता है। तो चलिए जो है कि हम लोग ने यहाँ पे ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लिया है। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सो अभी भी हमारा जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी हमारा जो कर्सर है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा अभी भी हमारा कर्सर यहाँ पे स्टक हो रहा है गाइस। ये देखिए आप देख सकते हैं कर्सर जो है हमारा यहाँ पे अभी भी स्टक हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए फिर से हमको जो है कि यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपको जाना है मैनेज में, और मैनेज में जाने के बाद कुछ सेटिंग्स और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है कि सेटिंग में कहीं से यहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ से फिर आ गए मैनेज में। मैनेज में आने के बाद आप लोग यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे और
एक चीज का ध्यान रखिएगा, मॉडल कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता है, जो ये स्टेप्स है जो ये प्रोसेस है वो सभी लैपटॉप में सेम होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले एडेप्टर। सो गाइज, डिस्प्ले एडेप्टर जो है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ग्राफिक वगैरह है, ग्राफिक चिप से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ग्राफिक चिप से अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपको क्या करना है, ग्राफिक चिप का जो है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को देखना है, अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती है तो हम लोगों को ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा जो ग्राफिक चिप है यहाँ पे जो है कि ग्राफिक चिप से हमारा जो है कि प्रॉब्लम हो चुका है। आप आपको विदाउट ग्राफिक आपका जो है कि सिस्टम चलाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो है कि इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग ने यहाँ पे जो है कि अनइंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हैं हमारा जो ये AMD Radeon R2 ग्राफिक जो है कि वो अब यहाँ पे अनइंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करके देख लेना है। चलिए, हमारा जो ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है अभी यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि हमारा जो ग्राफिक वाला सॉफ्टवेयर था यहाँ पे रिमूव हो चुका है। चलिए, अब हम लोग माउस को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो माउस है स्टक होता है या फिर नहीं। सो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो माउस है अभी तो फिलहाल स्टक यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं माउस यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है कि ग्राफिक चिप जो है यहाँ पे ग्राफिक चिप से प्रॉब्लम हो चुकी है। चलिए हम लोग एक बार चार्जर को भी यहाँ से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि चार्जर लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, हम लोग ने यहाँ पे चार्जर इसको कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं चार्जर हमारा यहाँ पे हो गया है कनेक्ट। और उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे चेक करते हैं, तो कर्सर हमारा जो है ये देखिए, कर्सर अभी यहाँ पे प्रॉपर जो है कि प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। सो हमारा जो यहाँ पे ग्राफिक चिप है यानी कि जो इसमें अंदर का जो ग्राफिक चिप है उसमें प्रॉब्लम हो चुकी है। ग्राफिक डालने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम हमारे लैपटॉप में आ रही है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो विदाउट ग्राफिक यहाँ चलाइए, और विदाउट ग्राफिक चलाएंगे तो आपका थोड़ा जो है कि ग्राफिक में यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। HD वीडियोज या फिर जो भी कोई हाई रेजोल्यूशन वगैरह अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी। और अगर आपको इसको रिपेयर कराना है तो इसको आपको ले जाना होगा लैपटॉप के सर्विस में और वहां जाके आपको इसको सर्विस कराना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा एक लाइक, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।